हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे जिहे कस्बे शाहबाद की हाकी खिडारी राणी रामपाल नू पद्म श्री अवार्ड नाल सन्मान किए जाने परिवार ने खुशी जाहर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। राणी रामपाल हरियाणा की एक लौती खिडारी है जिसका नाम इस बार पद्म पुरस्कार शामिल किया गया। जिक्र योग है कि भारत ने पद्म पुरस्कार 2020 का ऐलान किया है। इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्म श्री मिलेगा। हरियाणा के छोटे जिहे कस्बे की रहन वाली राणी रामपाल ने चौथी जमात च हाकी हाथ च फड़ ली। रामपाल घोड़ा गड्डी चला के अपने घर का गुजर बसर करते सी। धी दे जिद करन ते चौथी जमात च उसनू हाकी स्टिक फड़ा दिती। राणी सिर्फ 13 साल की उम्र च ही भारतीय महिला हाकी टीम विच शामिल हो गई। समाज ने भी बहुत ऑब्जेक्शन चक्के हमारे साथ है, ये बेटी है, ये बाहर भी जाएगी अंदर भी जाएगी, इसको आप प्लेयर बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, ठीक बात नहीं है। लेकिन इसकी जिद ने हमने रोकने की भी कोशिश करी, पर ये जिद क्या के पापा ऐसे नहीं चलेगा काम, हॉकी तो मैंने खेलनी है। हमने सब की सुनते हुए फिर भी इसको रोका नहीं है। राणी चौथी जमात सी जदों उसने ग्राउंड च कुड़ियां नू हाकी खेडते हुए वेख्या ते खुद भी हाकी खेडना शुरू कर दिता। हौली हौली राणी ने हाकी च नाम कमाया ते भारतीय टीम दी कप्तान बन गई। जिवें जिवें ही वह हाकी च अगे वधी परिवार की स्थिति भी सुधरन लगी। राणी ने कौमांतरी पद्धर ते छोटे जिहे कस्बे शाहबाद हरियाणा ते भारत का नाम रोशन किया। राणी नू भीम अवार्ड अते अर्जुन अवार्ड नाल भी सन्मानित किया गया। बातें तो बहुत सुनी आज बाबू जी, सब पीछा गए रही सुनो तुम के आज खुद दुनिया ने अपने बच्चे हो कि मैं डाल दिए जो से कत तुम्हारे के भी आपने लड़की बाहर निकाल दी, कैसा जिगरा है कैसा दिल है। रानी दे पिता रामपाल ने कहा कि वो पद्म श्री पुरस्कार मिलते बहुत खुश ने ते बहुत सारिया मुश्किलों विच उन्हां ने अपनी धी नू इस मुकाम ते पहुंचाया। अज जो जिस मुकाम ते है सारे देश नू उस ते माण है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। टू वॉच 24/7 न्यूज़ लाइव डाउनलोड ETV भारत ऐप।